ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वेलकम यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल टू दिस सेशन, एंड टुडे विल बी एक्सटेंडिंग आवर डिस्कशन ऑन सम एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था आई जस्ट ब्रीफ इट वंस फॉर 2 to 5 मिनट्स सो दैट वी आर कंफर्टेबल। वी हैव सीन दैट कि देर वॉज अ विस्कस टर्म इंक्लूडेड, एंड व्हेन द विस्कस टर्म इज इंक्लूडेड इन टू मोमेंटम इक्वेशन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। द इक्वेशन विच आई हैव शोन यू ओवर हियर, ये इक्वेशन कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इक्वेशन वॉज इन कार्टिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट गुड मॉर्निंग ऋतुजा। ओके, सो देन वी ऑब्जर्व दैट कि जो इक्वेशन है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, इट इज हैविंग सेकेंड ऑर्डर एंड इट इज हैविंग हायर डिग्री, सो इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन। And the solutions of non-linear equations are not very easy. I mean, you need to reduce them either to a linear, or you have to use special techniques for it. आगे चल के देखेंगे हम बाउंड्री लेयर थ्योरी में कि यहाँ तो हमने रिड्यूस करके उसे नॉन लीनियर से लीनियर बना लिया था, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है, बट आगे चल के आप देखोगे बाउंड्री लेयर थ्योरी में कि वी वोंट बी एबल टू डू दैट। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज आइदर सीरीज एक्सपेंशन मेथड्स और न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ओके, बट राइट नाउ अगर हम देखें यहां पर, सो वी वर सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर, एंड फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सम एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, तो पहला हमने देखा था प्लेन पॉइसन फ्लो, and in plane Poiseuille flow there is a fluid flowing between a two parallel plates, fixed parallel plates, and the flow was fully developed in the sense that the disturbance from the walls has been penetrated till the center of the flow. Okay, so now the entire fluid is filling the effect of the plate. Okay, now after that we can further extend our discussion, and we have identified certain terms over here. ठीक है, हमने definitely later at the later stages I have explained you the physics behind Reynolds number, that Reynolds number is the ratio of inertia force to the viscous force, right? Viscous force क्या करते हैं? Viscous force act as a dampener. So whenever there is a disturbance, they damp it out, उसे absorb कर लेते हैं. ठीक है, in the sense कि there is a laminar flow which is an organized flow. और अगर आप ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज फ्लो की तरफ हमेशा जाने की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, अगर आप टाइम देंगे और सिचुएशन लाइक सिचुएशन क्या बोलना चाहिए अलाउ कर रही है, तो डेफिनेटली ऑल द फ्लोज विल गो फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू डिसऑर्गेनाइज, बिकॉज धीरे धीरे डिस्टर्बेंस जो है आसपास के सराउंडिंग्स का वो आपके फ्लो में अपना इम्पैक्ट बनाता अपना इफेक्ट डालता रहेगा, और होगा क्या कि विस्कस फोर्स विल फेल टू एब्जॉर्ब, और टू एक्चुअली एब्जॉर्ब बोल सकते हो आप, यहाँ ये भी वर्ड यूज कर सकते हो, टू रीडिस्ट्रीब्यूट दैट डिस्टर्बेंस एंड द फ्लो विल बिकम डिसऑर्गेनाइज। सो व्हेन वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑन द लोअर रेंजेस, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम देखें स्केल पर, उसके पहले अगर आप देखोगे बिफोर दैट यू विल ऑब्जर्व दैट फ्लो इज लैमिनार, बिकॉज लोअर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू का मतलब ये हुआ इनर्शिया फोर्सेस की वैल्यू रिलेटिवली उतनी इफेक्टफुल नहीं है जितनी विस्कस फोर्सेस की वैल्यू, मतलब विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने के कारण दे आर सक्सेसफुल इन कीपिंग द फ्लो लैमिनार। अच्छा, यहां पर एक बात ये भी होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा,
देखिए ये क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर है, इसके पहले फ्लो लेमिनार है, मतलब मान लीजिए पाइप, जैसे अगर हम अभी आगे चल के पाइप फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें आई थिंक 2000 इज द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू, इसके पहले फ्लो हमेशा लेमिनार होगा, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले ही होगा, वो 10,000 पे भी लेमिनार हो सकता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एनवायरमेंट में कर रहे हैं तो वहां पर वाइब्रेशंस बहुत कम है, मतलब आपने पाइप की फिनिश बहुत बढ़िया ली है एक्सेट्रा, सो इन दैट केस द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिस्टरबेंसेस आर वेरी लेस, तो फ्लो कैन रिमेन लेमिनार एट हायर वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि इसके पहले लेमिनार है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके बाद भी, इसके बाद टर्बुलेंट, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज आते हैं। बट ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, एज एक्सपेरिमेंटलिस्ट आप ऐसा नहीं कि हमेशा आपको क्रिटिकल नंबर 2000 मिलेगा, अब वो आपके डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि आपके इक्विपमेंट्स कैसे हैं। 2000 से पहले तो हमेशा ही आपको रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो लेमिनार दिखेगा, बट 2000 के बाद भी आपको दिख सकता है लेमिनार इफ यू हैव अ वेरी गुड एनवायरमेंट, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम कर दोगे अगर आप, तो डिस्टर्बेंस कम करने के बाद यू विल रियलाइज दैट नाउ इवन अ लेसर वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स इज सफिशिएंट फॉर, मतलब ये सीधी सी बात है, आप एक ऐसे हॉस्टल में गए जहां पर सारे बच्चे डिसिप्लिन है, ठीक है, तो आपके अंदर विस्कस फोर्स मतलब डिस्टर्बेंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम भी हुई तो भी आप लेमिनार बने रहोगे, राइट, क्यों, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस इतना है ही नहीं, बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप बहुत साल वहां बिता लोगे, बहुत टाइम, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जब फ्लो बहुत लंबी लेंथ तक चला जाएगा तब शायद हो सकता है कि वो टर्बुलेंट बन जाए, तो हमने देखा था रो वी एलसी अपॉन म्यू, तो ये पैरामीटर जब इंक्रीज होगा फिर शायद वो टर्बुलेंट बन सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे डिस्टर्बेंस उसके अंदर आते जाएंगे, वही बात है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो बच्चा मेंटेन रहेगा, बट थर्ड फोर्थ ईयर तक चाहे कितना ही डिसिप्लिन रहा हो बट कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगा, तो वो उसे बस उसका एक सैचुरेशन आ गया और अब वो टर्बुलेंट। चलिए, सो वी स्टार्ट अवर डिस्कशन टुडे एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी नेक्स्ट पाइप फ्लो, पीपल कॉल इट एज पाइप फ्लो बट टू बी to name or to honor the scientist it is called as Hagen Poiseuille flow. What is Hagen Poiseuille flow? Basically it's a pipe flow or fully developed flow in a circular pipe. Fully developed flow in a circular. Fully developed flow याद रखें हम कि fully developed flow और in fact थोड़ा और correct करूँ fully developed laminar flow. हम अभी laminar flow ही पढ़ रहे हैं. चूँकि अब मैं आपको laminar turbulent बता चुका हूँ तो it's a laminar in a straight circular pipe. मतलब tapered नहीं है. ठीक है? Tapered नहीं है, curved नहीं है, straight. तो आपको दिखी क्या होगा कि ये जेड एक्सिस लिया है हमने इस बार. अब मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं देखिए, मैं कैसे डिफाइन करता हूं. अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर वी नो दैट देयर इज वन एक्सिस, उस एक्सिस को हम जेड एक्सिस कहते हैं. और बाकी की दो एक्सिस कैसी होंगी, अगर आप यहां से व्यू लें दिस व्यू, तो एक तो होगी रेडियल, रेडियली आउटवर्ड, और एक होगी टेंजेंट मतलब थीटा. तो ये आर थीटा जेड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. सर ये कार्टेशियन को नहीं यूज कर सकते हो ना, कार्टेशियन कोई तकलीफ थोड़ी,
कर, बट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो जिस शहर में हम वहां का खाना खाओ वही वाली बात है। देखो अब इंडिया में रह के अगर आप विदेश का खाना खाओगे रोज तो इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, राइट? और आप विदेश में रह के भी अगर वहां का लोकल लोकल खाओ हमेशा, बस वही वाली बात है। यहाँ पर पीपल से ना कि आजकल देखो आप अपने की ईट लोकल, दैट्स वन थिंग। सो वही बात है बस कि आप अगर सिलिंड्रिकल, आपकी आपका फ्लो की ज्योमेट्री अगर सिलिंड्रिकल है तो अगर आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे तो थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। तो मुझे अगर सिलेंडर में कहीं पे भी जाना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पहले तो कुछ रेडियली डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, ये क्या रेडियली डिस्टेंस ट्रैवल, फिर इस तरह से थीटा एंगल पर, मतलब यहां से दिखाऊं तो पहले यू गया और फिर यहाँ, और फिर उसके बाद जैसे मान लो यहाँ जाना है, फिर उसके बाद मैंने जेड डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आर थीटा जेड ये तीनों डिफाइन कर दिए मैंने, तो मैं किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकता हूँ। ओके चलिए, चूंकि फ्लो फुली डेवलप्ड है सो वी नो दैट फुली डेवलप्ड फ्लो सिंपली मीन्स दैट इफेक्ट हैज पेनिट्रेटेड इन द सेंटर एंड वी कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ प्रोफाइल, मतलब वॉल्स पे नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन होगी ऑफ कोर्स, और सेंटर तक इफेक्ट फील हो चुका है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहाँ पे तीन वेलोसिटी होगी, वी आर रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, वी थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज वी थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी शोन ओवर हियर, एंड वी जेड एक्सियल वेलोसिटी, एक्सियल रेडियल टेंजेंशियल, थ्री टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज विल बी देयर। सो वन थिंग इज वेरी श्योर दैट वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, सो समथिंग लाइक दिस इज जीरो। सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई विल राइट ओवर हियर, ये फुली डेवलप्ड फ्लो के कारण है। सो बेसिकली अगेन द सेम थिंग वी आर डूइंग, विल बी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एंड व्हाइल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम वी विल सी दैट जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है उसकी नॉन लीनियर टर्म लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड देयरफॉर विल बी हैव इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस स्पेशली एट दिस अंडरग्रेजुएट लेवल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो बेसिकली ये पाइप फ्लो का ये है ना, कुछ बुक्स में अगर आप प्रेफर करोगे या कुछ जगह आप देखोगे भी, अगर आपने कभी देखा होगा तो कहीं कहीं पे लोग उसे लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स करके भी पढ़ा देते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, देखिए कि किसे कैसे करना है। तो ये पाइप फ्लो एक तरह से नया चैप्टर हो जाता है, बट फॉर मी इट इज एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, और मेरा एक ही चैप्टर होता है बस एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, जिसमें मैं विस्कस इनकंप्रेसिबल लेमिनार फ्लो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो थ्रू आउट अब यही चलेगा आपका। हाँ, फिर इसके बाद एक नया चैप्टर आ जाएगा बाउंड्री लेयर थ्योरी, दैट्स इट। तो इन बिटवीन देयर वोंट बी एनी चैप्टर कॉल्ड एज लेमिनार फ्लो। तो ये लेमिनार फ्लो, पाइप फ्लो, ये जितने भी चैप्टर के नाम आप लोगों ने अगर कभी सुने होंगे और पढ़े होंगे तो ये वो ही चैप्टर है सारे, ठीक है? बट वी आर जस्ट डीलिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर फ्रॉम इट्स फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन जस्ट डूइंग मैथमेटिक्स। ओके चलिए, सो नेक्स्ट वन वुड बी देर इज नो सॉल्व। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट लेक्चर ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जब प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है उसके साथ दोस्तों, उसके साथ उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ना? कौन खा रहा है? वो विस्कस खा रहा है ना, विस्कस फोर्सेस खा रहे हैं। तो विस्कस फोर्सेस को ओवरकम करने के चक्कर में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन से। तो हमें एक्सटर्नल मैकेनिज्म लगेगा जो प्रेशर को पंप अप करे, प्रेशर को बढ़ाए, करेक्ट? तो फॉर दैट रीजन वी नीड अ पंप। अब ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली इन केस ऑफ सिविल इंजीनियर्स आल्सो और मैकेनिकल इंजीनियर्स आल्सो। जैसे कि एक स्टेशन से, एक सिटी से दूसरी सिटी तक आपको पानी ट्रांसफर करना है, वाटर ट्रांसफर करना है, तो आपको बीच में स्टेशन बनाना पड़ेंगे, तो उन स्टेशन पे पंप की कैपेसिटी कितनी लगाओगे, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो वो कैसे पता चलेगा पंप की कैपेसिटी? There are many parameters other than this also, but one good parameter is that कितना viscous resistance आपको overcome करना पड़ेगा। तो ये theory जो है आपको ये pump का size निकालने में मदद करेगी। Pump कितना चाहिए? हमने उस दिन भी देखा था कि power जो था
रोज ही हेड लॉस इन ट्वेल्थ था, तो अगर हेड लॉस मिल गया आपको तो पंप का पावर मिल जाएगा, ठीक है। अब नो स्वेल का मतलब क्या हुआ? नो स्वेल का मतलब ये हुआ कि पानी सिर्फ ऐसे बह रहा है, ऐसे ऐसे नहीं बह रहा है, काइंड ऑफ ऐसे पानी कहाँ बहता है, स्लाइड्स में बहता है, वाटर स्लाइड्स में, देखा हो कभी आपने, ऐसे वहां स्वेलिंग दी जाती है। अब हम यहां पर अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो भाई स्वेल देने की जरूरत क्या है? इंजन से वेलोसिटी क्यों दे रहे हो? अननेसेसरीली क्यों अपनी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो इसलिए यहां पर वी थीटा जीरो होगा, स्वेल की जरूरत नहीं। तीसरी बात, ये प्रॉब्लम एक्सिस सिमेट्रिक है। एक्सिस सिमेट्री का मतलब क्या होता है सर? एक्सिस सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप एक्सिस पे बैठ जाओ, ये आपकी एक्सेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या बढ़े, इमेजिन करो अपने आपको कि सिलेंडर के सेंटर पर बैठे हुए सर, लेटे हुए। अब आप ऊपर देखो या नीचे देखो, आपको एक जैसी चीज दिखाई देगी, आपको सिलेंडर ही दिखाई देगा। राइट देखो, लेफ्ट देखो, हर तरह से सिलेंडर एक जैसे ही दिखाई देगा। आप आइडेंटिफाई थोड़ा कर सकते हो, बीच में बैठे हो, अगर यहाँ पर सर्कल है, ये सिलेंडर है और आप यहाँ बैठे हो, तो आप चाहे यहाँ देखो चाहे वहां देखो, आपको प्रॉब्लम एक जैसी दिखाई देगी। तो इसीलिए चाहे आप इधर देखो चाहे आप इधर देखो, मतलब मैं इधर से देखो, आप यहाँ बैठे हुए हो एक्सिस पे, और आप अगर इधर भी देख रहे हो या इधर भी देख रहे हो या इधर भी देख रहे हो या इधर भी देख रहे हो, तो ज्योमेट्रिकली और काइनेमेटिकली आपको सेम चीजें दिखाई देगी। वेलोसिटी जीरो और ज्योमेट्री भी सेम है हर जगह, तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा के रिस्पेक्ट में वेरिएशन जीरो है यहाँ पर। वट एवर पैरामीटर इज देयर इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज वन थिंग। Fourth is, of course, we have a steady state, that is nothing, that does not require any special attention. And of course, the flow is incompressible. So, ये सब तो है ही। तो यहाँ से आपने देखा कि मैंने कुछ प्रॉब्लम में पांच चीजें इंट्रोड्यूस करी है। विदाउट वाटर फ्लो होगा तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो ही होता है वाटर का, और एक समय बाद स्टेडी स्टेट हो जाता है फ्लो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी जो अजम्पशंस नहीं है, ये प्रॉब्लम डिफाइन करी है हमने, आप समझिए। अजम्पशंस अलग चीज होती है, अजम्पशन ये हो गया कि हमने फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हमने समझा प्रॉब्लम को और उसको समझकर हमने यहाँ पर उसके कंडीशंस को मैथमेटिकली इंप्लॉय किया। नाउ हम इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन भी डाल देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये याद रखनी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैसी होती है? देखो, डेल बाय हमारे इसमें क्या होती है कार्टेशियन में, डेल बाय डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल, करेक्ट, ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखो, जो थर्ड टर्म है वो तो वैसा का वैसा ही है, और यहाँ पर वी थीटा आ रहा है और यहाँ पर वन अपॉन आ रहा है, ये तो वी जेड ऐसा कैसे, और ओवर हियर आर वी आर, दैट्स यू हैव टू रिमेम्बर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, याद रखिए। चलिए कंटिन्यूटी इक्वेशन में वो अजम्पशंस नहीं, वो कंडीशंस आते हैं, तो क्या बनती है देखते हैं। देखो, एनी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज जीरो, उड़ाओ इसको, एक्सिस सिमेट्री को, एक्सिस सिमेट्री के कारण मैं इसे उड़ा सकता हूँ। डेल वी जेड अपॉन डेल जेड जीरो, इसको भी उड़ाओ। ये कैसे उड़ जाएगा भाई, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड फ्लो है। तो बचा क्या आपका, डेल बाय डेल आर आर वी आर इक्वल टू जीरो, करेक्ट, मतलब आर वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट की दो वैल्यू हो सकती है, एक हो सकती है जीरो और एक हो सकती है नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो हो गई कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नॉन जीरो हो गई अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो सेंटर पर, अगर आप मान लो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई चलो 10, तो 10 अपॉन आर
आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जब आप सेंटर पे रेडियल वेलोसिटी निकालने जाओगे तो क्या होगा, सेंटर पे जब आप रेडियल वेलोसिटी निकालने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर पे रेडियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी निकालने ना सर मैं आर इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ, अरे गए खत्म, वेलोसिटी नॉट डिफाइन हो गई। अब वेलोसिटी तो यार डिफाइंड ही है हर एक पॉइंट पर, भली इसे जीरो बट डिफाइंड तो है, तो नॉन डिफाइंड तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए आर सी को जीरो होना पड़ेगा, सी जीरो, सी हैज टू बी जीरो बिकॉज़ दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी नहीं आ सकता है फ्लो, अदरवाइज रेडियल वेलोसिटी विल नॉट बी डिफाइंड So we are equal to zero because c has to be zero. इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? हम जो भी अभी हमने देखा ये एक और कंडीशन आ गई आपकी, ये सब नेवियर स्टोक्स में डाल देता है, ठीक है, तो ये रही नेवियर स्टोक्स की क्वेश्चन। आई वोंट रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस बट आई विल रिकमेंड यू वन थिंग टू रिमेंबर, ये क्या लिखा हुआ है आपका, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए थीटा, और ये लिखा हुआ है आपका रेडियल थीटा और एक्सियल, ये तीनों याद होना चाहिए आपको, ठीक है, आपको याद है ना हमने कार्टेशियन में तो याद किए थे, यहाँ पे भी याद होना चाहिए आपको, ये अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कारण आता है और ये कोरोलिस की टर्म आ जाती है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा है इसमें मतलब काफी कुछ समझने के लिए है बट अभी चूंकि कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ रहे हो आप तो ए आर ए थीटा और ए जेड के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाए, बस इसे याद रखें तो बेटर है आपके लिए, है ना, 2-5-10 साल में गेट में कभी कभी रेडियल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो कांट से ही नहीं थे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे यार। अब हम इसे रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, चलिए एक एक टर्म उड़ाते हैं, मैं काम करता हूँ इसे एक बार और लिख लेता हूँ ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना हो, VR जीरो है आप जानते हो, VR जीरो है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, V थीटा भी जीरो है, VR और V थीटा जीरो है तो ये टर्म पूरी जीरो हो गई, रेडियल फोर्सेस बॉडी फोर्सेस नहीं है, डेल पी अपॉन डेल आर, ठीक है इसको देखते हैं, ये जीरो है, VR जीरो है, VR जीरो है, VR जीरो है, V थीटा जीरो है, VR जीरो, ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल आर भी जीरो, ओके दैट्स व्हाट यू गेट, V थीटा जीरो है तो इस टर्म में तो हर जगह V थीटा 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 है और थीटा VR, तो ये भी जीरो इक्वल टू जीरो इक्वेशन हो जाएगी, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये इक्वेशन देखते हैं हमें एक्चुअली में निकालना क्या, देखो हमें निकालना है वेलोसिटी का वेरिएशन आर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, हाउ वेलोसिटी इज वेरिंग आउट रेडियली, राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, तो वेलोसिटी जो है आपकी वो फंक्शन है आर थीटा जेड और टाइम चारों का, पर स्टडी स्टेट होने के कारण इसका नहीं है, जेड का नहीं है क्योंकि फुली डेवलप्ड फ्लो है, थीटा का नहीं है क्योंकि एक्सिस सिमेट्री प्रॉब्लम है, तो वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ आर, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन एक्चुअली, तो यहां से हमें वीजेड एज अ फंक्शन ऑफ आर की मिलने की उम्मीद है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे उड़ाना चालू करें, ये नीचे
ये उड़ाओ इसको, ये वी आर जीरो इसको भी उड़ाओ, ये वी थीटा जीरो इसको भी उड़ाओ, वी जेड बाय वी जेड, ये टर्म क्यों नहीं जा रही है भाई, ये टर्म भी जाना चाहिए, चलो देखते हैं इसको। ये कैसे जीरो होगी बताओ जरा, जीरो तो होना पड़ेगा इसको, नहीं ये नहीं होगी, ये टर्म रहेगी आपकी डेल वी जेड अपॉन डेल आर, ये टर्म रहेगी वन अपॉन आर डेल वी जेड अपॉन डेल आर, ये टर्म भी रहेगी, ये थीटा के साथ वेरिएशन है, ये जीरो हो जाएगा। अरे डेल वी जेड अपॉन डेल जेड जीरो होगा, बताओ कैसे होगा भाई, बताओ ये टर्म कैसे जीरो होगी, लिखो, वेट कर रहा हूं मैं आपका। Z डायरेक्शन की वेलोसिटी Z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है भाई, फुली डेवलप्ड फ्लो है ना, तो ये सब फुली डेवलप्ड में निपट जाएंगे बाहर, हाँ करेक्ट, ओके, और Z डायरेक्शन ये है तो बॉडी फोर्सेस नहीं होंगे, तो बचता क्या है आपका, बचती है आपकी इक्वेशन डेल पी अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो, और डेल पी अपॉन डेल जेड या माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू म्यू डेल टू वी जेड अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल वी जेड अपॉन डेल आर, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं कि हमें VZ, हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें चाहिए ये काम की इक्वेशन है बस, जेड इक्वेशन आपकी, तो आपको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए VZ as a function of R, ठीक है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू म्यू डेल बाय वन अपॉन आर, देखिएगा सही लिख रहा हूं कि नहीं, डेल वी जेड डेल अपॉन डेल आर R, del VZ upon del R, ठीक है, ये हो जाएगा, वापस से चेक कर लेते हैं एक बार, one upon R, first function, del VZ upon del R, plus one upon R, R it is, ठीक है, perfect, correct, इसको मैंने तो जोड़ कैसे लिख दिया, अब एक काम करते हैं, ये तो बाहर है ही, चलो इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल टू म्यू अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर आर डेल वी जेड अपॉन डेल आर, योर मैथमेटिक्स है अभी तो, और अब आप इसे इंटीग्रेट करें, अगर वही सारी बातें हैं, आप देखो जो हम पहले किए थे, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली एंड वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली, तो ईच ऑफ देम इज कांस्टेंट, यहां पर सिर्फ वी जेड है जो कि आर का फंक्शन है, यू हैव अ प्रेशर व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ जेड, तो एक काम करते हैं इसे इंटीग्रेट कर देते हैं और रिजल्ट देखते हैं, दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, let's do it, इसे r by mu लिख दो, यहाँ पर इस तरह से, ये हो जाएगा r square by 2 mu del p upon del z r dvz upon del, हाँ dvz भी लिख सकते हो तो, क्योंकि सिर्फ r के ही function है ना velocity, multiply by c1, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस,
ऐसे ही कटेगा, प्लस सी वन आएगा फिर कटेगा ना। तो लिख दो R upon 2 mu del P z upon del z equal to dV z upon dr plus C1 upon R। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार और इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा R square upon 4 mu del P upon del z equal to V z प्लस C1 लॉन R प्लस। उम्मीद करता हूँ देयर इज नो मिस्टेक। नाउ वी नीड टू अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस दैट एट, अब उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगी। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि R इक्वल टू जीरो है, आपको ये Z है, ये R है, तो ये R इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एट R इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सो डेल वी जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू जीरो। करेक्ट दोस्तों, अब आप बताओ मुझे कि C1 क्या हो जाएगा फिर, एट R इक्वल टू जीरो ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, तो C1 जीरो हो जाएगा। और देखो C1 वैसे भी जीरो हो जाएगा, ऐसे सोचो, देखो क्यों, क्योंकि R जो है तुम्हारा, अगर तुम R इक्वल टू जीरो डाल दोगे इस इक्वेशन में तो इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगी, बट ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके लिए C1 को जीरो होना पड़ेगा, C1 हैज टू बी जीरो। समझ में आई आपको मेरी बात? R इक्वल टू जीरो डाल दोगे तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी सेंटर पर, बट सेंटर पर डिसकंटिन्यूटी है नहीं फ्लो में, फ्लो तो बिल्कुल without any discontinuity, without any point of singularity flow हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है। अब और at R equal to R, ये सी वन जीरो देगा, R equal to R, R equal to R, VZ equal to zero, तो C2 आ जाएगा आपका यहाँ से R square upon 2 mu, इसमें R डाल दो और 2 mu 4 mu del P upon del Z, velocity 0 हो गई, C2 आ गया, बस equation आ गई आपकी R square upon 4 mu del P upon del Z equal to VZ plus R square upon 4 mu del P, से भी जड़ आ जाएगा इसको डेल पी वन अपॉन फोर म्यू डेल पी अपॉन डेल जेड, अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या आपका R square minus R square अब यहां पर भी वही बात है वापस से कि R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा कैपिटल R से, क्योंकि कैपिटल स्मॉल R की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R, तो दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बचाइए, वी वांट दिस टू बी पॉजिटिव,
so this has to be negative. So again, this is a pressure driven. I don't think this requires any further discussion. The same thing which we have discussed, pressure driven flow, the same thing will hold over. Okay. तो कैसे देखोगे भाई इसको? बस वही सारी चीजें करनी है इसमें जो हम किए चुके हैं. पहला एवरेज वेलोसिटी और वो सब इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो मैंने प्लेन पॉजिटिव फ्लो के लिए बताया था ना, उसमें गेट में रेयरली क्वेश्चन आते हैं. उससे आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़े कम आते हैं. बट ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इधर से, इस पाइप फ्लो के केस. ठीक है, यहाँ से बैठे के क्वेश्चन होंगे. पाइप फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए. बहुत सारा आप गेट में बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से तुमको, मैं कराऊंगा सॉल्व. बस ये थोड़ी सी थ्योरी हो जाए आधी घंटे, फिर हम गेट के क्वेश्चन उठा लेते हैं. ठीक है, और देखो भाई मेरी एक इमेज है तुम्हारे दिमाग, मतलब तुम्हारी एक इमेज है मेरे दिमाग में, वो ये है आप लोगों की इमेज मेरे दिमाग में कि आप लोग एक अच्छे कॉलेज के बच्चे हो और बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत नहीं. इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ. क्वेश्चन आप सॉल्व करो प्लीज, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा. मैं क्वेश्चन दे दूंगा अगर आप कहोगे तो. अभी मेरे को याद दिलाना क्लास के एंड में, आपको मैं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपने मोबाइल पर और वो सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस. ठीक है, बट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेंगे प्लीज. ठीक है, और डाउट आए तो मेरे साथ डिस्कस करो. आपको बोल चुका हूँ, आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं ली है. कितने बच्चों के पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, जरा मैसेज करो. How many students have previous year question book? Please let me know through message. Made easy की book या किसी की भी, सूरज के पास है. और कोई? भाई बिना previous year question की book, okay. एक और बच्ची के पास है, उर्वी के पास है. चलो very good. मतलब है ना, एक बात समझना आप लोग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है ना, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एनालॉजी से, तो भगवत गीता है. समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वो नहीं है आपके पास और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो तो मस्ट है. मतलब मस्ट 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 मस्ट, और अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए आपके आदि, जितना पढ़ाया है उसके. तभी मैं सोचू डाउट क्यों नहीं आते, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, वो तो होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट. चाहे आप फोर्थ ईयर टारगेट करो, मैं मना नहीं कर रहा आपको. फोर्थ ईयर टारगेट आप 2022 में दोगे ना, ऐसे भी थर्ड ईयर के बच्चे बहुत सारे आप लोग, अच्छी बात है दो ना. बट इस बार देख के तो देखो कितना क्या होता है. आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं बोल रहा हूँ कम से कम अगर आप मेहनत कर लोगे ना, अभी कितना टाइम बचा है, 2 महीने बचे हैं अभी एटलीस्ट. आज क्या तारीख है? आज है 16 तारीख. देखो अभी 14 तारीख को पेपर है तुम लोग का. 2 महीने बहुत होते हैं डीयर, और वो भी 2 महीने बिना कॉलेज के लोड के. कॉलेज जाना नहीं है आपको, ये बात तो पक्की है. अभी तो खुलना नहीं है कोरोना, जब तक अभी चलेगा 6 महीने तो, और मेरे को लगता नहीं 4 महीने 6 महीने खुलने वाला, आई डोंट थिंक सो. ठीक है, तो 2 महीने फुल दे दो यार अपने, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, 2 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक सॉल्व करो, बस दैट्स इट. मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ईएम वहां से कवर कर लेते, बहुत अच्छा काम हो जाता आपका, क्योंकि मैंने लैग्रैंज इक्वेशन और वो सब पढ़ा दी थी. अब वो कैसे करोगे यहाँ पर? लैग्रैंज नया आया है, बहुत सारी वो पुलिस सिस्टम बेल्ट सिस्टम नए आए हैं, वो सब मैंने अच्छे से कवर किया था. वो आप देखे ही नहीं. आयो प्रेशर ड्रिवन फ्लो. अब प्रेशर ड्रिवन फ्लो की बात करते हैं. सबसे पहले हम यहां पे निकाल चुके हैं वेलोसिटी प्रोफाइल. VZ equal to 1 upon 4 mu del P upon del Z R square minus R square. अब बात करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की. भाई क्या करेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए? सर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए R equal to 0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी? 1 upon 4 mu del P upon del Z. Minus R square.
ठीक है। अब निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई? वी एवरेज जेड डायरेक्शन। तो हम जानते हैं सर कि ये पाइप है आप अपना और द फ्लो इज लाइक दिस। तो जल्दी से खत्म करते हैं ठीक है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये एवरेज से भी उतना ही फ्लो होना चाहिए जितना वेरिएबल से फ्लो हो रहा है। अब वेरिएबल से फ्लो कैसे निकालोगे? आपको पता है वेरिएबल वेलोसिटी सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में वेरी करती है, मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट सिर्फ तब होगी जब रेडियस कांस्टेंट होगा। तो रेडियस कांस्टेंट सर्कल के अलोंग होता है, ऐसा ये एलिमेंट ले लो। तो इस एलिमेंट से कितना फ्लूइड बाहर हो रहा होगा? कितना एलिमेंट, कितना फ्लूइड बाहर हो रहा होगा? सर इसकी थिकनेस dr ले लेते हैं, 2 पाई r dr। ये तो एरिया हो गया पाई r dr, और रो डेंसिटी हो गई, और वेलोसिटी यहां पर v व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ r, dz व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ r। तो इतना मास फ्लो रेट बाहर हो गया। 0 से लेकर कैपिटल r तक इसको इंटीग्रेट कर दो और बस रो a पाई बाय 4 r स्क्वायर, इनटू रो ए और एवरेज वेलोसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वी जेड एवरेज, है ना? यहाँ पर वी आर एज फंक्शन ऑफ जेड डालना पड़ेगा आपको, ये करके बाद देखिएगा टाइम वेस्ट होगा आपका। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी हो तो कर लीजिएगा, गेट में तो आप करनी है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो वी जेड आ जाएगा आपका, इफ यू चेक मैक्सिमम वेलोसिटी जो है जेड में, वी जेड मैक्स उसका आधा, तो वहां पे 2/3 था और यहां पर आधा है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। इसका फॉर्मूला तो याद हो जाएगा आपको, कैसे याद होगा आपको फॉर्मूला इसका? क्योंकि देखो वी जेड आपको पता है, ये तो आपको याद रखना ही है वी जेड एज अ फंक्शन ऑफ आर। और एक बार वी जेड एज अ फंक्शन ऑफ आर आपको याद हो गया तो फिर तो आप मैक्सिमम 10 सेकंड में निकाल सकते हो, और मैक्सिमम का आधा कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले एक फॉर्मूले में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चौथा है वॉल शियर स्ट्रेस का। वॉल शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे? टाउ वॉल इक्वल टू म्यू। अब यहां पर कौन सी वेलोसिटी आएगी भाई, देखो आप कौन सी वेलोसिटी कैसे क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, क्योंकि वॉल से लेना है। यहाँ पे वीजेड जीरो है, तो डेल वीजेड अपॉन डेल आर एट आर इक्वल टू, ये आर यहां से अगर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आप आर इक्वल टू आर लिखोगे, बट हम जानते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ से सेटअप करेंगे, उसे चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कोई भी पॉइंट, ये आपका आर डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लीजिए, इसकी अगर हम देखें तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये लोकेशन आर है, और ये वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से लोकेशन आर डैश है, आर प्लस आर डैश आर के बराबर है, तो डी आर इक्वल टू माइनस डी आर डैश। तो हम यहां पर टाउ वॉल लिखेंगे इक्वल टू म्यू डेल वी जेड अपॉन डेल आर डैश एट आर डैश या माइनस आर।
परफेक्टली ऑल राइट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें। और ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर डेल वी जेड अपॉन डेल आर। मैं तो उसको हटा दूं, अब इधर ऑफ वन यू कैन यूज आइदर दिस यहां से अगर आप लेते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज आपका डेल वी जेड अपॉन डेल आर डैश कैसे जा रहा है, और यहां से ले रहे हो अगर आप इस पॉइंट जो आपका करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये आपका आर है, और यहां से अगर आप लेते हो तो दिस इज योर डेल वी जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू आर अपॉन टू म्यू डेल वी अपॉन डेल। चलिए तो हम लिखते हैं इसे। तुम लोगों के इंटरनेट बहुत अनस्टेबल होते हैं, बार बार आते जाते रहते हो, आते जाते रहते हो। कॉलेज कैसे चलता है फिर आपको? एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए, वन नॉट वन हो चुका है, एक मिनट रुको। गूगल मीट जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर यूज करे ना सबसे वर्स्ट इंटरफेस है। ना चैट दिखता है और ना शेयरिंग इतनी आसानी से होती। चलिए इधर उधर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो वी वर एक्चुअली डिराइविंग दिस, ये हमारे पास रिलेशनशिप है ऑलरेडी। अच्छा मैंने एक मिनट उल्टा लिखा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसको एक मिनट में वापस से लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो टाउ वॉल होता है आपका, वो होता है इन जनरल, इसको समझ लो एक बार, कभी कंफ्यूजन होता है, वो होता है टाउ वॉल इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, करेक्ट? ये मैंने आपको बताया था एट वाई इक्वल टू। अब ये डी यू बाई डी वाई कहां से लेना है आपको? ये जो यू है और ये जो वाई है, ये आपको फिक्स पॉइंट से लेना है, करेक्ट? इतना समझ में आया? तो यहां पर हम जो du by dy डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे, du by dy वो dvz upon dr। अब वो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला होना चाहिए, इसको r1 बोल दो, r1 इक्वल। तो ये डेफिनेशन होगी वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है? अब हम इसे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, tau wall इक्वल टू म्यू dvz अपॉन, अब इसे मैं अगर dr लिखूंगा यहां पर तो dr1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dr आ जाएगा, ये यहां से देखा। और
आर वन इक्वल टू जीरो की जगह क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू लाइक दिस। अब हम डीवी से, क्योंकि हमारे हमें हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है, बट डिफाइंड वो किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा, फिक्स्ड वॉल से डिफाइन होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन हमें जब फिक्स्ड वॉल से होगी, और अगर आप फिक्स्ड वॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप वेरिएबल, अगर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं और है तो आपको उसे वहां लेकर आना पड़ेगा, जैसे कि मैं लेकर आया माइनस साइन के कन्वर्जन से, और उसी में काम करना पड़ेगा क्योंकि हम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बदल सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी इक्वेशन उसी से बंधी हुई है। तो अब यहां पर r इक्वल टू r पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सर इसको कैपिटल R कर दो, तो डेल वी जेड अपॉन डेल जेड, डेल वी जेड अपॉन डेल आर, आर इक्वल टू आर पर आपका कैपिटल आर अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो यहां पर आपका टाउ ऑल आ जाएगा माइनस म्यू आर अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन, ठीक है, अभी इसको थोड़ा और रिड्यूस करते हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन प्लीज चेक करना, एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे, क्लैरिटी यहां से काम करो, मैं लिख सकता हूं 4 म्यू अपॉन वी जेड मैक्स, 4 म्यू वी जेड मैक्स माइनस अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया आपका डेल पी अपॉन डेल जेड। अब वी जेड मैक्स को मैं ट्वाइस ऑफ वी लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ वी बार, तो ये हो गया आपका डेल पी अपॉन डेल जेड। उठा के ना ले, this is a reference, from previous equations, नंबर डाल दूं मैं इसमें, रुक जाओ ताकि याद रहेगा आपको, ये वाली इक्वेशन से लिया था ना, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, हाईलाइट कर देता हूँ, दिख जाएगा नोट्स में, और इसे टू कर, तो वन एंड टू लिख देता हूँ, दिस इज फ्रॉम वन एंड दिस इज फ्रॉम चलो आगे बढ़ते हैं, और ये डायग्राम थोड़ा मैं साइड में छोड़ता हूँ, ठीक है, चलिए बस अब टाउ वाला आपको लिखना है, टाउ वाला हो जाएगा आपका माइनस म्यू, तो ऑलरेडी है ये म्यू से म्यू कटा है थोड़ा, तो माइनस आर बाय टू डेल पी अपॉन डेल जेड इज एट म्यू वी बार अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस दोनों है प्लस हो जाएंगे, तो टॉवल आ जाएगा आपका 4 म्यू वी बार अपॉन आर, होप दिस इज करेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ओके चलिए। तो दिस इज योर वॉल शियर स्ट्रेस, नाउ अब वॉल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हम वापस से वही सीएफ डिफाइन करते हैं, सीएफ क्या होता है आपका, सीएफ की डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी, वॉल शियर स्ट्रेस अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर। अब यहां पर रेफरेंस वेलोसिटी कौन सी होती है, मैंने बताया था जब भी हम पाइप फ्लो में काम करेंगे, मतलब क्लोज कंडक्ट में काम करेंगे, तो रेफरेंस वेलोसिटी हमेशा एवरेज होगी, और इसी जगह अगर आप ओपन में काम करोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आपकी एक्सटर्नल सर्फेस है, ये इंटरनल फ्लोज है और वो एक्सटर्नल फ्लोज है, तो इंटरनल फ्लोज में एवरेज वेलोसिटी हमेशा हम एवरेज इंटरनल फोर्सेस इंटरनल फ्लोज में रेफरेंस वेलोसिटी एवरेज होती है, लिख देता हूं एक बार, कल भी बताया था मैंने, इंटरनल में रेफरेंस वेलोसिटी इंटरनल क्या होती है,
एवरेज और एक्सटर्नल में होती है यू इनफिनिट फ्री स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम एवरेज आपका सी एफ आ जाएगा। सी एफ कितना आएगा? 4 म्यू वी बार अपॉन आर, ये तो हो गया आपका, अपॉन हाफ रो यू रेफरेंस स्क्वायर, तो वी जेड स्क्वायर। वी जेड ही है सब एवरेज, इसको इससे उड़ाया, ये 8 म्यू अपॉन आर रो वी जेड आ गया। इसको 8 इंटू 2 लिख दो, एक 2 मल्टीप्लाई करा एक्स्ट्रा में, यहाँ रहने दो, फिर हो गया 8 अपॉन रो वी जेड आर अपॉन, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर मैं ऐसे लिखता हूँ सी एफ इक्वल 16 अपॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और नीचे हम 2 आर को डायमीटर लिख, तो ये हो जाएगा आपका सी एफ अपॉन 16 अपॉन आर। ठीक है, तो ये है आपका रेनॉल्ड्स नंबर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है। मैंने बताया आपको कि हम रेफरेंस किसको लेंगे, एवरेज को लेंगे। ये एवरेज वेलोसिटी है, अगर थोड़ा क्लैरिटी चाहिए तो इसके ऊपर बार लगा दो। और डायमीटर क्यों हमने रेफरेंस लिया है? डायमीटर इसलिए लिया है हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, क्योंकि आप जानते हैं कि इस लेंथ के अलोंग कोई वेरिएशन नहीं हो, जो भी वेरिएशन हो रहे हैं वो रेडियली हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी वेरिएशन हो रहा है वो बेसिकली पाइप के इस एंड से लेकर तो पाइप के इस एंड तक हो रहा है। तो देयरफॉर डायमीटर इज वाज चोजन एज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। मतलब पाइप फ्लो में अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो उससे फ्लो के लेमिनार या नॉन लेमिनार या टर्बुलेंट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज व्हाट इट मींस फिजिकली। बट आप छोटा पाइप कर दोगे या बड़ा पाइप कर दोगे तो उससे फ्लो में लेमिनार टर्बुलेंस में चेंज आएगा। मतलब डायमीटर से डायमीटर चेंज करोगे तो फ्लो लेमिनार टर्बुलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगा, लेंथ चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर लेमिनार फ्लो ऑलरेडी विच इज अ लेमिनार फ्लो, यहाँ पर हमने अभी प्योरली लेमिनार फ्लो की बात करी। चलिए, दिस वॉज अवर फर्स्ट डेरिवेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यह देखना होगा कि अगर मैं पाइप में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहा हूं, if I'm moving from one station to another station, let's say this from this station to this station, station 1 to station 2, तो यहाँ ये point कहीं पे भी ले लो, आपकी choice है ये 1 से 2, तो कितना pressure drop होगा? तो pressure drop कहाँ हो रहा है? Viscous forces को overcome करने में। तो एक काम करते हैं यार, उस तो del P upon del Z का जो formula direct किया था ना हम अभी, ये वाला equation 2, इसको उठा लेते हैं, ये बहुत important। ये लेंथ मान लेते हैं इन दोनों के बीच की, मेरा प्रेशर इज कंसीडर टू बी वेरिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, तो मैं पार्शियल लिखूं या मैं कम एग्जैक्ट लिखूं, डजंट मेक सेंस। ओके, सो माइनस 8 म्यू वी बार अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी, आर एट जेड इक्वल टू जीरो, लेट से प्रेशर इज पी वन, एट जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू एल प्रेशर इज पी टू, तो पी वन माइनस पी टू अपॉन रोजी कैन बी रिटन एज 8 म्यू वी बार अपॉन रो जी आर स्क्वायर इंटू एल। एंड वॉट इज दिस? अगर आप यहाँ पे बर्नौलीज लगाए तो यू विल रियलाइज दैट की पी वन बाय रोजी P1/ρg + V1² / 2g + Z1 = P2/ρg
प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू प्लस सम हेड लॉस। तो आप जानते हैं वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे सेम है, एलिवेशन लेवल अभी सेम है करंटली, तो जो हेड लॉस हुआ है वो हुआ है पी वन माइनस पी टू बाय टू, दिस इज नथिंग बट हेड लॉस। ये लॉस क्यों हुआ है? टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस एट म्यू वी बार एल अपॉन टू जी स्क्वायर। ओके, चलिए इस इक्वेशन का फॉर्म चेंज करते हैं। इसे हेड लॉस जो है आपका वो है 8 म्यू वी बार एल अपॉन रो जी, आर को लिख सकता हूं मैं डायमीटर अपॉन 2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4, तो रो जी डी स्क्वायर अपॉन 4 मतलब ये 32। बताओ भाई कौन सी इक्वेशन है, देखी होगी तो आप लोगों ने याद भी होगी। बोलो 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 बोलो, बहुत ही फेमस इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो यार हर बच्चे को पता होती है। रिड्यू म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। बताओ भाई भूषण, नितेश, ऋतिक, मोहम्मद, डार्सी, नाइन, प्रीत सोलंकी, ये नया बच्चा आया आज, राहुल यादव, ऋतुजा, सारंग, सिद्धार्थ तो मैं ही हूँ, सूरज, पूर्वी, पूर्वी बताओ, ऋतुजा और वो कहाँ गया आज, हितेश तो है, हेमंत का है, उठा नहीं लगता है आज, हाँ क्या बात कर रहे हो यार, भूल गए सब भाई। दिस इज नोन एज हैगन पॉइज़ली इक्वेशन, हैगन पॉइज़ली इक्वेशन, पॉइज़ली इक्वेशन। ओके, क्या बात कर रहे हो, पहली बार सुना हैगन पॉइज़ली इक्वेशन, हैगन पॉइज़ली इक्वेशन ऋतिक पहली बार कैसे सुनी यार भाई, हाँ ये पढ़े नहीं हो गया इंजीनियरिंग में, तो कॉलेज में नहीं पढ़ाया है तुमको, हो ही नहीं सकता जब रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ाई कॉलेज में, और ये नहीं पढ़ाएंगे सर, सिलेबस नहीं था, नहीं यार हाँ मान ही नहीं सकता मैं इस बात को, तो सिलेबस में कैसे नहीं था यार, एफएम लॉकडाउन में गए, एफएम तो सेकेंड ईयर में होता है ना, आप क्या थर्ड ईयर में पढ़ाते हैं एफएम, अच्छा फोर्थ सेम, अच्छा तो अभी तुम फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम दी हो क्या? नहीं सर, फोर्थ सेम आधा ही हुआ था हमारा। नहीं अच्छा, तो मार्च में लॉकडाउन जब लगा था तो तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था है ना तब? हाँ सर। तो तब तुम्हारी फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम लॉकडाउन में हो गई थी? नहीं सर, एग्जाम ही नहीं हुई। अच्छा पास कर दिया थी पिछले सेम के बेसिस पे मार्क्स दे दिए, मतलब वही ऐसे ही पास कर दिया, यही बात सुन ना वही सर। और फिर अभी फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम देना पड़ी तुम लोगों को है ना? हाँ ये ऑनलाइन हुई सर। कैसे हुई ऑनलाइन एग्जाम यार बताओ तो सर, मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं कभी, पूरी सब दुनिया चेंज हो गई, क्या करा तुम लोगों ने? सर 20 मार्क के एमसीक्यू और 40 मार्क के राइटिंग पेपर लिए सर, तो वो स्कैन करके सबमिट करना था, और कैमरा चालू रखना था। नहीं कैमरा ऑफ था। तो भाई तुम फिर क्या पढ़ाई कर रहे थे ऐसी, तो तुमने तो ओपन बुक टेस्ट दिया होगा फिर।
हाँ सर, पर एमसीक्यूज और जो सेट्स थे ना, वो हर एक के अलग अलग, मतलब 5 6 सेट डाले थे तो। अच्छा, तो उससे क्या, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि जैसे ऋतिक ने हेमंत से पूछ के आंसर दिया, ऋतिक ने ऋतिक का जवाब दिया, बट ऋतिक ने तो देख लिया ना, बुक में तो रहता ही लिखा हुआ, बुक के बाहर थोड़ा पूछेगा। हाँ सर, पर पढ़ना तो पड़ता है ना, क्योंकि उन्होंने गैप ही नहीं दिया था पेपर के बीच में, कंटिन्यू एक दो तीन चार पाँच अच्छा, छः ये तो पढ़ना सेट पड़ता है कि कौन सी किताब में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वही। सही है भाई, तुम्हारी इंजीनियरिंग में तो यही होना चाहिए, ओपन बुक टेस्ट होना, बट उनको बस ये है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछना चाहिए बच्चों से, ताकि वो बुक में देख भी लें तो। अब यही होगा देखो, अच्छा है, चलो मैं तो चाहता था यही हो कि इतना डिफिकल्ट पेपर बने कि स्टूडेंट को बुक ही बुक देख भी ले तो भी वो उसको दिमाग चलाना पड़े, तो अच्छा है। मेरे को लगता है ये आने वाला सेमेस्टर भी आपका सेकेंड फोर्थ तो ऐसा गया, फिफ्थ भी गया, अभी सिक्स्थ में हो आप लोग, करेक्ट? क्यों, फिफ्थ की देख के सिक्स्थ में आए ना, मतलब हाँ सर, अभी अभी जाएंगे। पास तो हो ही जाओगे, पास क्यों नहीं होंगे, हाँ सर, जब वैसे पास हो जाते हो तो ऐसे तो हो ही जाओगे, तो फिफ्थ दे के अब सिक्स्थ में आए हो आप, सिक्स्थ तो होगा अब तुम्हारा, चलेगा जुलाई तक, जून जून तक तकरीबन तकरीबन। ठीक है, बढ़िया है, बहुत टाइम है यार अभी, अच्छा है तुम लोगों के पास, पुराने कारण नुकसान तो हुआ है तुमको कि कॉलेज लाइफ खत्म हो गई तुम्हारी, पर ठीक है, ये लाइफ बना लो तो इसके बाद जी लेना कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ का तो क्या है, जब जीना हो तब जी लो, जीने वाला तो अभी भी जी लेते हैं, सही है कि नहीं, तो वो भी कर लो 1.5 साल तैयारी, अब कि बाहर बाहर तो निकलना है नहीं जैसे भी, कोरोना का प्रकोप तो खत्म होगा नहीं है, साल भर लगेगा इसको कम से कम। और एक चीज और समझो यार, कि जो डिस्चार्ज होता है आपका वो बड़ा काम आता है यहाँ पर, अब ना डिस्चार्ज की टर्म्स में हम काफी काम करते हैं यहाँ पर, तो डिस्चार्ज क्या होता है आपका सर? डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, पाइप में डिस्चार्ज यही होगा, एवरेज वेलोसिटी के कंपैरिजन से तो उसको रिप्लेस कर दो 4q/πd2। चलो तो ये पता है 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो 128 हो जाएगा, 128 म्यू q/πρ g d^4। तो भाई ये समझ में तो आ रहा है ना तुमको, मैं तो ये अज्यूम कर रहा था कि तुम लोग पढ़े हुए हो तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा था, ये स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है क्लास की, ये सब सही चल रहा है ना? हेलो भाई, टाइप कर दो एक बार, ये तो मैं स्लो कर दूंगा थोड़ी स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं, बोलो यार जो भी बोलना है बोलो, नहीं आ रहा है आ रहा है जैसा भी हो, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिख रहे हैं तुम लोगों को, आते हैं आप लोगों के पास कि नहीं आते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर? नाइन सर, नाइन क्या बोल रहे हो, नाइन रिसेंट वाले में नाइन्थ दिख लेक्चर रहे तक हैं। डाले सर। नए लेक्चर तो डाले तो ग्रुप में ना डाल देना अभी, कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दो तो वो लोग डाल देंगे, ठीक है, आप लिखोगे तो डालेंगे नहीं तो नहीं डालेगा कोई भी, वो मेरी अथॉरिटी नहीं है इसलिए मेरे पास वो लॉगिन नहीं है कि कहाँ डालते हैं वो लोग, ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर आ जाते हैं बट वो कहाँ डालना है वो मैनेजमेंट देखता है आपका, ठीक है। डिफिकल्ट थे सर कि डिफिकल्ट है सर, क्या बोल रहा है हितेश, डिफिकल्ट थे सर कि डिफिकल्ट है सर, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, एक ही एक चीज तो करिए दूसरी बार वापस से रिपीट, कहीं डाउट हो तो पूछ लो भाई।
ठीक है। चलो अब अभी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, 10 मिनट लो, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सब समझ में आ जाएगा क्या चाहिए। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? ईएससी के पेपर के बारे में था। ईएससी के पेपर के बारे में था मतलब? अच्छा अच्छा एग्जाम के बारे में। ओके 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 चलो थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे लगा वो मैसेज थोड़ा बाद में आया तुम लोगों का, बट ये अच्छा है गूगल मीट में ना डिले नहीं चलता है आपके और मेरे बीच में। ओबीएस पे पढ़ाते हैं ना हम लोग ये ओपन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में, तो उसमें डिले आता है, 20 सेकंड पीछे चलता है, मतलब 20 सेकंड लेट ब्रॉडकास्ट होता है बच्चों को, तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है, ऐसा लगता है टाइम फ्लाई कर लिया आपने। चलो भाई है ना, अब देखो यार एक चीज समझना, ये तो आपका हेड लॉस हो गया। अब हेड लॉस डिफाइन करने के लिए एक और महान व्यक्ति आए, उनका नाम था डार्सी, ठीक है रितिक, जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो ये डार्सी जी आए और इन्होंने क्या किया? अच्छा रितिक ने आगे का पढ़ लिया होगा, रितिक बहुत पढ़ता है ना, इसलिए मेरे को समझ में आया कि इसने जवाब दिया डार्सी, तो नहीं भूषण ने दिया था डार्सी जवाब, तो सॉरी 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 भूषण ने भी पढ़ा होगा। तो डार्सी आए और डार्सी ने क्या कहा कि मैं मुझे भी हेड लॉस डिफाइन करना है, कर लो भाई हेड लॉस डिफाइन करने में क्या है। बट उन्होंने बोला मैं मेरा नाम देके करूंगा, तो कर लो भाई तेरा नाम देके कर ले। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, उन्होंने बोला कि मैं फ्रिक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा F, और कितना फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ हेड लॉस्ट, v स्क्वायर बाय 2g इज द वेलोसिटी हेड, तो फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी हेड लॉस्ट टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस। उन्होंने इस तरह से मॉडल किया इसे, और यहाँ पर L by D का मल्टीप्लाई डिवाइड करता है ताकि डाइमेंशंस, ये क्वांटिटी डाइमेंशंस यूज़ है। तो ये हेड लॉस है आपका, हेड लॉस का कितना फ्रैक्शन, मतलब वेलोसिटी कितना फ्रैक्शन विस्कस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया, दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कैलकुलेट। और हम अगर ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, कौन सी, दिस वन और दिस वन, 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, 32 mu v l upon rho g d square, तो ये क्या आएगा आपका g g d d l v bar h f equal to f v f sorry f इसको देखते हैं f v bar equal to 64 mu upon rho d इसको याद लिखो, ठीक है rho d upon, तो ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। मैं बहुत सारी चीजें हो गई है एक बार लिख देता हूँ एक साथ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो एक तो आपने हेड लॉस की इक्वेशन देखी अभी, 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, करेक्ट, ये हैगन पॉइज़न इक्वेशन 32 म्यू वी एल है ना। इसी को अगर आपको डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो वो ज्यादा बेटर, वो कितनी बार ज्यादा यूजफुल होगी आपको, 138 म्यू क्यू एल अपॉन पाई रो जी डी की पावर 4, पाई रो जी डी की पावर 4, ठीक। अब ये हैगन पॉइज़न इक्वेशन, अब डार्सी विस्बैक का नाम भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, दे बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड इट, तो उन्होंने इसे दिया सी एच एल इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2G, और इसको भी आप डिस्चार्ज के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे हेल्पफुल इक्वेशन वही होगी आपके लिए, मैं बताता हूं कैसे। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, पाई बाय 4D स्क्वायर
इनटू वेलोसिटी है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ करनी है, एफ एल वी स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर 16 अपॉन पाई स्क्वायर डी की पावर 4, एफ एल क्यू स्क्वायर 2g पाई स्क्वायर अपॉन 16 इनटू डी की पावर 4. सॉल्व करो कितना आ रहा है कांस्टेंट कांस्टेंट को 2 इनटू 9.81 इनटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 करेक्ट. तो ये आएगा आपका एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर. अलग अलग तरीके से एक ही चीज को लिखे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे. ठीक है, बॉक्स बना के साइड में कर दूंगा. न्यूमेरिकल में बस ये काम आएंगे, सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे आप लोगों को. न्यूमेरिकल करना सॉल्व करना बड़ी बात नहीं. तो ये आ गया आपका एचएफ, ये आ गया आपका एचएफ. ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा भाई ये काम आएंगे तुमको. ठीक है, एफ को बोलते हैं यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर, है ना. अब इसमें कंफ्यूजन ही होगा, एक सीएफ भी था, सीएफ था, सीएफ क्या था आपका देखो, 16 अपॉन आरईडी, करेक्ट. तो CF था 16 अपॉन आरईडी, और आपका F है 64 अपॉन, करेक्ट. तो बेसिकली F क्या है आपका 4 टाइम्स CF. तो इस F को बोलते हैं हम फ्रिक्शन फैक्टर, टॉर्सिस, और CF को बोलते हैं फैनिंग्स फैक्टर, फैनिंग्स फ्रिक्शन फैक्टर. तो ध्यान दें कि एग्जाम में क्या दिया हुआ, और ये सब रिलेशनशिप किसके लिए होल्ड करती है, लैमिनार. अब यहां पर एक बात मेरी बड़ी ध्यान से समझिए, बात ऐसी है कि अब आप लोगों ने एचएल निकाल लिया, हेड लॉस, हेड लॉस की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो कि पंप का पावर कितना लगा. कैसे निकालोगे, रो जी, मैंने कल बताया था, एक बार रो बता देता हूँ. हेड क्या होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट वेट, इसको अगर मैं रेट कर दूं तो यहां रेट आ जाएगा. मास फ्लो रेट क्या होता है, ये हो गया पावर. मास फ्लो रेट क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है सर रो इनटू जी, सॉरी रो इनटू क्यू इनटू जी. तो पावर होता है आपका रो क्यू जी एच एल. ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर आपको पावर चाहिए, है ना, अब सीक्वेंस समझना पूरी, पावर चाहिए फर्स्ट, तो आपको एच एल लगेगा. तो पावर से एचएल, और एचएल के लिए क्या चाहिए आपको, एचएल के लिए आपको एफ चाहिए. तो ये एफ मिलेगा, एफ चाहिए इसके लिए. अब एफ भी दो केस होंगे, एक तो लेमिनार होगा और एक टर्बुलेंट होगा. तो सर लेमिनार के लिए तो आपने ड्राइव कर दिया, लेमिनार के लिए आपने ड्राइव किया क्या, एफ इक्वल टू 64 अपॉन आरईडी. टर्बुलेंट के लिए क्या, टर्बुलेंट के लिए देयर वर टू स्कॉलर्स जिनका नाम था, या जिनका नाम है, नहीं था सॉरी, क्या नाम है, नाम मिस कर रहा हूं मैं, आई एम मिसिंग देयर नेम. तो एक बार नाम बताता हूँ तो मंगा, और नाम और काम दोनों बताने पड़ेंगे ना. एक मिनट, निकुराट से, यस निकुराट से,
Stanton and Nikuratse, से करेक्ट. Stanton and Nikuratse were those two people. Stanton, Nikuratse, नाम मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताता हूँ. Nikuratse, इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए है ना. देर वॉज वन मोर पर्सन, इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और चार्ट बनाया, फ्रिक्शन फैक्टर. और इन चार्ट इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट्स किए और डेटा कलेक्ट किया और चार्ट बनाया मूडीज, इसलिए उसे हम उस चार्ट को मूडीज चार्ट के नाम से जानते हैं. मैं आपको मूडीज चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे लाकर, न्यूमेरिकल्स भी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो 5 से 7 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं पेस्ट करके भी रखता हूँ, आप लोग रेस्ट ले लीजिए. आपको सर, हाँ बोलो. वो एचएल के इक्वेशन में डीएसटी 5 चाहिए था. किसकी इक्वेशन में?
चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मूडीज चार्ट, ओके। वैसे गेट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है आपको ये, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट एक नॉलेज होना चाहिए आपको इसका। इन द सेंस, हाँ, द सेकंड नेम वाज स्टैंटन, स्टैंटन एंड निकोराट। तो देखिए, लैमिनार के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ग्राफ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और काफी सारे पाइप्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। अब हर एक पाइप में उन्होंने पता करा कि अगर लैमिनार फ्लो है तो उनको भी यही रिजल्ट मिला। मतलब आप देखो, इट्स वेरी गुड थिंग। तो दिस वर द रिजल्ट्स कंफर्म फॉर द लैमिनार फ्लो। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो थे, ये कहां से आया आपके पास? ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ नेवियर स्टोक्स है। और ये क्या है, स्टैंटन और निकोराट से का, ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वर्क है। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो उन्होंने ऐसा कुछ रिजल्ट निकाला। पहले तो मूडीज चार्ट देखो होता कैसा है। मूडीज चार्ट इज अ चार्ट बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड्स नंबर, इन दोनों के बीच में बनता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव मार्क्स। और यहां पर आती है रिलेटिव रफनेस, एप्सिलॉन बाय डी। एप्सिलॉन क्या, ये देखो पाइप होते हैं, पाइप में रफनेस होती है इस तरह से। तो मान लीजिए ये 0.001 या 001 mm की है या 0.01 की है, फॉर एग्जाम्पल। बट अब ये 0.01 कितने मीटर के डायमीटर, कितने डायमीटर के पाइप पर है? 1 mm के डायमीटर के पाइप पर है या 1 मीटर के डायमीटर के पाइप पर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 mm पर ये हो सकता है अपना रोल सिग्निफिकेंटली प्ले करे, बट 1 मीटर डायमीटर पे दिस इज नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबली स्मॉल। सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन रिलेटिव रफनेस ओवर। एक्सक्यूज मी, कैसा है कि देखिए, ये दो जोन में डिप जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तो ये आपका आ जाएगा
इसके अंदर लेमिनार और यहाँ पर टर्बुलेंट, और जिस पे ये वैल्यू चेंज होती है उसे हम क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, और क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000। नेक्स्ट, अब आप जब इस तरफ जाओगे, मुझे एक मिनट कंफर्म करना है, ये कंफर्म करना है एक बार, ये 2300 होती है 2000 होती है, बुक में देखता हूं। इससे पहले फ्लो लेमिनार है, इससे पहले फ्लो टर्बुलेंट है, तो यहाँ पर तो आपका वैल्यू 64 अपॉन आरईडी, मतलब आरईडी जैसे जैसे बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा, तो फ्रिक्शन फैक्टर का ग्राफ ऐसे जाता है। इसके बाद इस जोन को इन दोनों मूडीज ने डॉक्यूमेंट किया, और वो चार्ट कुछ इस तरह से, मैं कोई भी एक लाइन बना देता हूँ जैसे यहाँ पर समथिंग लाइक, इसका मतलब क्या हो, यहां पर अगर आपका कोई रेनॉल्ड्स नंबर आपने चूज किया हुआ है, आप पहले तो अपना देख लें कि आपकी पाइप की, सबसे पहले तो पाइप उठा ले अपना, और पाइप की रिलेटिव ये ई बाई डी आपको मैन्युफैक्चरर देगा, कौन देगा, मैन्युफैक्चरर, आपका पाइप आपको पता होगा, तो आपको देखा, आपने देखा कि यार आपका ई बाई डी की वैल्यू, लेट से यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है, तो उठा लेते हैं 0.0, ये 0.0, अच्छा तो ये 0.01 है, इसकी यूनिट क्या है, एप्सिलॉन इन एमएम, डायमीटर इन एमएम, तो अगर ये 0.01 है तो ये 1 mm का पाइप है, 1 mm के पाइप पे 0.01 हुई, करेक्ट ना, क्योंकि दोनों एमएम एमएम है, आर यू गेटिंग दिस, बहुत सारी वैल्यूज यहां पे 0.07, 0.05, 0.001, 0.0004, इस तरह से, ये तो बस अभी इसका इंटरनल है, ये E by D की वैल्यू है, मैंने यहां से 0.01 इसलिए मिटा रहा ताकि कल से कंफ्यूजन ना हो कि ये E by D लिखा है, ये सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है, बट वो वैल्यूज कोइंसिडेंटली सेम हो गई हमारी। अब आप क्या करोगे, आपके पाइप की आपने रिलेटिव रफनेस चेक कर ली मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग से 0.01 है, और फिर अपना रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर लो, दो चीजें चेक कर लो, अब आपका रेनॉल्ड्स नंबर मान लीजिए व्हाटएवर इट इज, मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 से लाइन बनाए जहां ये EYD वाले को इंटरसेक्ट करेगी, वहां से F की वैल्यू रीड कर दी, और इस फॉर्मूले में डाल दें, तो उन्होंने ये F की वैल्यू जो बनाई है वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनेगी, ये भी ध्यान रखना, भली से फ्लो हमने लेमिनार के लिए ड्राइव किया था, बट इसमें डाल सकते हो आप वैल्यू, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। अब जैसे यहां पर हम करें, अगर देखिए रेनॉल्ड्स नंबर लिखा हुआ है, ये देखो यहीं से दिख जाएगा 2300 पे जा रहा है, और अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ कोई सा भी पाइप सिलेक्ट कर लो आप, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला पाइप सिलेक्ट किया 0.0002, और आपके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है 10^7, तो ये गए 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 यहाँ तक आया, बस यहाँ से रीडिंग नोट कर लो, ऐसे 1.4 आ रही है इस तरह से, जैसे गेट ये सब रीडिंग करवाएगा नहीं आपसे, बट वो पूछने में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपने आप में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, कोशिश आप करिए, बन जाएगा, बहुत आसान है। यहां से पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, पानी या ऑयल फ्लो कर रहा है, लोकेशन 1 से लोकेशन 2, डेंसिटी दी हुई है आपको 800 kg/m³ और विस्कोसिटी दी हुई है
0.8 kg/m. इंक्लाइन पाइप है ना, और ये 45 डिग्री दिया हुआ है आपको एंगल यहाँ पर, प्रेशर एट 1 एंड 2 आर मेजर्ड एज P1 इक्वल टू 435. 1 पे प्रेशर दिया हुआ है, 2 पे प्रेशर दिया हुआ है. 1 पे पोटेंशियल एनर्जी पता है, 2 पे पोटेंशियल एनर्जी पता है. आपको ये पता है फ्लो 1 से 2 होता है, मतलब एनर्जी 1 पे ज्यादा है 2 पे कम. आपको डिस्चार्ज निकालना है, बर्नौलीज लगानी है, ये हिंट दे दी मैंने. और फिर हमने फ्लो को क्या कर दिया, सेकेंड पार्ट में रिवर्स कर दिया. अब फ्लो को रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि अब फ्लो जो हो रहा है सेकंड केस में वो 2:1 हो रहा है, मतलब 2 पे एनर्जी ज्यादा है 1 पे एनर्जी कम है. तो हेड लॉस कहां जोड़ना है ये आपको देखना है. 1 पे एनर्जी ज्यादा है, 2 पे एनर्जी कम है, मतलब हेड लॉस E1 इक्वल टू E2 प्लस HL होगा. इस तरह से आप, और HL का फॉर्मूला आपको मैं दे चुका हूं, ये दे सारे, इसमें से कौन सा यूज करना है आप डिसाइड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या 2 मिनट लिख लीजिए इसको कॉपी में. पहले 2 मिनट लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में, कॉपी पेन निकाल लो सबसे पहले, तो निकाल के बैठे ही होंगे आप लोग. इसको फॉर्मूले लिख लो सारे, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद हम आपको 5 से 10 मिनट देंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वाला. ठीक है, लिख लिया. चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन.
जी बताइए क्या आंसर आया है आपका। Q1.127 और एक कड़ी आया, एक का आया सारंग का भी आया बी और एक स्टूडेंट का आया डी। चल देखते हैं इसको। देखो भाई इसको हटाओ अभी तो 161 ना। हाँ बी भी आ गया आंसर। ओके सारंग राहुल का आंसर सेम है, भूषण और बी वाला मतलब बी पे जा रहा है आंसर सबके। सूरज भी बी पर ही बोल रहा है। चलो देख लेते हैं। देखो यार एक बात ध्यान रखना, फ्लो हमेशा हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। मतलब वन पे एनर्जी ज्यादा है और टू पे एनर्जी कम है, तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई? सर बची हुई एनर्जी हेड लॉस में चली गई ना, फिर विस्कस फोर्सेस को ओवरकम। ये इक्वेशन हो गई आपकी एनर्जी इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोल सकते हो उसको, ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब वन पे एनर्जी क्या होगी? P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head loss। सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे लेमिनार कंडीशन है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, तो आप बेफिक्री से अपने लॉज यूज कर सकते हैं जो हमने डिराइव किए। डिस्चार्ज निकालना है, तो हेड लॉस को आप डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में लिखिए। कौन सा वाला लिखेंगे? तो यहाँ फ्रिक्शन फैक्टर तो दिया नहीं है आपको, मेरे हिसाब से 128 म्यू क्यू एल अपॉन, देखो 128 पता है आपको, म्यू पता है आपको, क्यू आपको निकालना है, एल आपको पता है, पाई आपको पता है, रो आपको पता है, जी आपको पता है, डी आपको पता है, तो ये बेस्ट है 128 म्यू क्यू एल अपॉन पाई रो जी डी की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका एच एल। क्लास खत्म होगी जब तक तो HL है आपका 128 म्यू क्यू एल अपॉन रो जी डी।
think I've written 128 mu QL, 128 mu QL. Pi rho g d की power 4, pi rho g d की power 4, pi rho g d की power 4. ठीक है, sure. अब पहले इनको sort out कर लेते हैं सबको. तो देखो यार, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी हेड तो सेम रहेगा. उड़ाओ इसको. P1 minus P2 by rho g निकाल लेते हैं. तो 435 minus 200 upon rho g. Rho कितना है और g कितना है? Rho है 100 और g है 9.8. ध्यान दें ये किलो में है, तो 10 to the power 3 रहेगा. ठीक है, प्लस z1 minus z2. z1 minus z2. ठीक है, 614 देखते हैं. पहले आंसर दिखा देता हूँ, तुम लोगों को शांति हो जाएगी. मेरे को भी आंसर याद नहीं इसका, मेरी को वो बुक नहीं मिल रही है. देखी मैंने इसका आंसर, मैं भी सॉल्व किया था यहाँ पर गेट फिक्स के बच्चों के साथ. क्या चैप्टर है भाई ये? और ये P2 तुम्हारा, ठीक है, करेक्ट है. तो Z1 minus Z2 इधर आ गया आपका, और इक्वल टू हेड लॉस. तो 128 mu QL अपॉन rho g pi d की पावर 4. ठीक है, एक काम करो, ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है. तरीका मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करके देख लेना आप लोग. इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, मेथड मैंने आपको समझा दिया. इलियास का स्क्रीनशॉट, अब इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये मैं समझा देता हूँ कैसे करना. ठीक है, फिजिक्स समझा देता हूँ. ठीक है, चलो, हम हैं बीजीटीआई मुंबई. ठीक है, तो डियर यहां से ये बात तो सत्य हो गई कि ये सब सॉल्व करने पर आपका क्यू आ जाएगा 0.127 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, भूषण कहां गलती करी चेक करना, एक बार कहां गलती करी बता सकता है? अभी तूने सही कर लिया आंसर, बी आ गया. ठीक है, चलो. हाँ सर, वो Z1 minus Z2 negative करना था, positive ले लिया था. ठीक है, चलो, हाँ जी, हाँ, 545 negative का positive ले लिया. ठीक है, ध्यान दो भाई, है ना. अभी दूसरे का, अभी direction of flow reverse किया. If the flow is reversed, मतलब इस तरीके से, इसे वन कह दो, इसे टू कह दो. प्रेशर एट वन इज मेंटेन्ड 435, मतलब, अच्छा ये वन और टू चेंज नहीं करना, सॉरी. तो वन पे प्रेशर उतना ही है, टू पे प्रेशर कितना होगा अगर डायरेक्शन चेंज कर दी? तो भाई लगा दो आप इससे बर्नौलीज़ पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन. अब बात ध्यान रखना, हाँ, अब फ्लो टू टू वन जा रहा है, ई टू इज ग्रेटर देन ई वन नाउ, तो ई टू इक्वल टू ई वन हेड लॉस. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन ऐसी चलेगी, अब पी टू वी टू जेड टू इक्वल टू पी वन वी वन प्लस जेड वन प्लस हेड लॉस. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि फ्लो रिवर्स करने से, मतलब इस प्रॉब्लम से आपको ये समझाना है मुझे, और बर्नौलीज़ कैसे लगानी है हेड लॉस के साथ वो सिखाना है. ये एक प्रॉब्लम आप समझ गए तो बस फिर कुछ नहीं है, सब ऐसी प्रॉब्लम, इससे छोटी थोड़ी थोड़ी बहुत ऊपर थोड़ी बहुत नीचे ऐसी प्रॉब्लम आती है. तो पी टू माइनस पी वन बाय रो जी, V1 से V2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको निकालना है P2, तो P2 by rho g. अच्छा हाँ, अब 1 से 2 जाओ या 2 से 1 जाओ, फिजिकली आप हेड लॉस तो सेम ही होगा, तो हेड लॉस जो यहाँ कैलकुलेट की हो एक बार, वो हेड लॉस उतना ही रहेगा. तो ये पहले कैलकुलेट कर चुके हो आप, तो वही फीड करना है वापस से. तो HL पता है आपको, Z1 minus Z2 पता है आपको, और P1 by rho g आपको. So there how you get P2 over here as 614 point something.
तो डी वुड बी दी करेक्ट आंसर ओवर। कैलकुलेशन करिए इसके। आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए? रुको, देखो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना,